परिवार वैसा ऐसे शादी करके ना देखना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ दिन या कुछ महीना में तुम्हारा परिवार में से किसी एक मेंबर का मौत होगा, अभी पापा के हाथों से होगा मौत। भूलना मत, सुना देना सबको, अपना परिवार वाला जो है ना, हम लोग से तो कोई नाता नहीं रखी, सातवीं का परिवार को सुना देना। हमारा समाज अभी तक शायद प्यार को स्वीकार नहीं कर सका है, खासकर तब जब घर की बेटी किसी से प्यार करे और शादी करना चाहे। जो ऑडियो क्लिप अभी आपने देखी सुनी, वह एक भाई ने भेजी है अपनी बहन को व्हाट्सएप पर। साफ कह रहा है कि तुम्हारे घर में किसी की हत्या मर्डर हो जाएगी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, और यह खुद पापा करेंगे। ईशा, तुम पहला मैसेज ना साथी को दिखाएगी, अगर नहीं दिखाई तो फिर बोलना, उसको बोल दो, उसको खाली तुम मेरा सुनाना। सुन रहे सात्विक, सुन ले तुम मेरा बात, बाप रहता है यहाँ पे तब तुम उसे शादी करके दिखा रहा ना, तब तेरा तब तुम मानते तेरा माँ का औलाद समझते, हाँ तब तुम एक बाप का बेटा है जानते कहलाता। हाँ हाँ लिखा कहला, तुम बोलो ना। हाँ बोले। हाँ गाली दो, एक कहलाता अभी कहला रहा है, तुम बिना बाप का शादी किया है। हिम्मत रहता तो हम लोग का मेरा बाप रहता तब शादी करके दिखाता ना, फिर मालूम रहता कितना हिम्मत है तुम्हारे। विचित्र है, दूसरी तरफ वो लड़की है जिसने ये ऑडियो रिसीव किया है, उस लड़की ने प्यार किया और शादी की है और फिलहाल 5 दिनों से गायब है। जी हाँ, वो लड़की गायब है और अब जिसे शादी उसने की है वो लड़का परेशान है, हताश है और बहुत डरा हुआ है। उसका आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने ही उस लड़की को गायब कर दिया है और अब उस लड़की पर खतरा है। वो लगातार सोशल मीडिया पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पुलिस के पास जा रहा है इस उम्मीद में कि मदद मिले, और जिस लड़की को उसने चाहा, जिससे प्यार किया, जिसे शादी की, वो लड़की उसके जीवन में वापस आ सके। यह हकीकत झारखंड के जमशेदपुर की है। जमशेदपुर में यह कहानी पनपी, प्यार की कहानी, और अब एक ऐसे विचित्र मोड़ पर चली आई है जहां लड़की की जान के ऊपर खतरा है और वो 5 दिनों से गायब है। आइए समझते हैं पूरी बात क्या है। सात्विक और ईशा स्कूल में सीनियर जूनियर थे। कई सालों बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ और वे शादी करना चाहते थे। सात्विक के घर वालों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ईशा के परिवार वालों को यह बात गवारा नहीं हुआ कि उनकी बेटी किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ शादी करे। सात्विक के घर वालों ने ईशा के घर वालों से बातचीत भी की, लेकिन वे नहीं माने। इस बीच सात्विक और ईशा के बीच प्यार बना रहा। 29 अप्रैल 2020 को ईशा की मां ने ईशा को बुरी तरह मारा, जिसके बाद ईशा घर से भागकर सात्विक के घर चली आई। दोनों जमशेदपुर में ही रहते थे। 30 अप्रैल को सात्विक और ईशा बिरसा नगर पुलिस स्टेशन गए, जिसके बाद उसी दिन दोनों ने शीतला मंदिर में शादी कर ली। मंदिर में जाकर शादी हुई और फिर कोर्ट मैरिज भी हुआ। ईशा ने पुलिस को लिख कर दिया कि वह अपनी मर्जी से शादी कर रही है, लेकिन यहाँ से स्थितियाँ और ख़राब हो गईं। शादी के बाद ईशा के रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे, गालियाँ और धमकियाँ दी जाने लगीं। उसमें से एक खुद ईशा का भाई इनके परिवार को मारने की धमकी दे रहा है। कुछ दिनों तक यह सब कुछ चलता रहा, फिर एक दिन ईशा के किसी मामा ने पटना से फ़ोन किया और कहा कि हम सब मान गए हैं, लेकिन एक बार ईशा को माँ से मिलने दो, वह बहुत रो रही है, परेशान है। इमोशनल होकर 6 मई को सात्विक अपनी बहन और एक दोस्त के साथ ईशा को लेकर जमशेदपुर स्थित उसके घर पहुंचे। ईशा और सात्विक की बहन ऊपर गए, सात्विक अपने दोस्त के साथ नीचे ही रहा। 20 मिनट बाद सात्विक ने अपनी बहन को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन ऑफ आया। ऊपर जाकर देखा तो उसकी बहन एक कमरे में बंद थी, घर पर कोई नहीं था, ईशा गायब थी, सबका फ़ोन ऑफ आ रहा था। अपनी पत्नी ईशा को वहां ना पाकर सात्विक के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने जमशेदपुर से रांची तक अपनी पत्नी को ढूंढा। पिता ने उसी दिन पुलिस में जाकर कंप्लेन भी की, लेकिन अभी तक ईशा का कुछ पता नहीं चल सका है। सात्विक अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, उन्हें डर है कि ईशा के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। यह घटनाक्रम सात्विक ने ट्विटर पर भी लिखा है, #ShaveIsha भी ट्रेंड कर रहा है। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in
यह पूरी बात हमें सात्विक ने बताई है। दूसरे पक्ष से हमारी कोई बात नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ईसा की खोज में लगी है।